सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के सीजन 2 के रिलीज अपडेट के बारे में। बिकॉज जितने लोगों ने भी इस सीरीज के सीजन 1 को देख लिया है उनमें से काफी सारे लोगों के मेरे को मैसेजेस आए थे एंड वो लोग पूछ रहे थे कि इसका सीजन 2 हम लोग को देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा, एंड अगर सीजन 2 आता है देन उसमें हम लोग को कितना वेट करना पड़ सकता है। तो भाई सीजन 2 के ऊपर कुछ रिसर्च मारा है एंड जो भी अपडेट मेरे को मिली है ऑफिशियल प्लस सोर्सेज की तरफ से इस वीडियो में उसी को भाई बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, अगर आप लोगों ने फर्जी वेब सीरीज को कंप्लीटली देख लिया है देन आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज पता होगी कि भाई इसको जिस क्लिफहैंगर पर एंड करा गया है उधर से आप लोग को सीजन 2 100% देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोग को सीजन 1 के अंदर सनी के कैरेक्टर की बिल्डअप वाली स्टोरी देखने को मिली थी। तो आप लोग को सीजन 2 के अंदर सनी का जो रिवेंज है ना उसकी स्टोरी देखने को मिल सकती है। प्लस इसी के साथ ही जो आप लोग को इसके अंदर हिंट दिए गए हैं, बिकॉज अगर आप लोग को नहीं पता तो राजन डी के प्लान कर रहे हैं काइंड ऑफ एक नया यूनिवर्स सेट करने का, जिसके अंदर आप लोग को अभी करंट टाइम में फर्जी एंड द फैमिली मैन सीरीज देखने को मिलती है। मे बी इन फ्यूचर आप लोग को कुछ और सीरीज इसके अंदर ऐड होती हुई देखने को मिल जाए। हालांकि मेरे को पता है कि अभी काफी सारी ऑडियंस ऐसी होगी जिन्होंने फर्जी वेब सीरीज को कम्प्लीटली नहीं देखा होगा, दैट्स व्हाई मैं इस वीडियो के अंदर कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। स्पॉइलर को हम लोग कभी आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग करंटली अगर बात करें इस सीरीज के सीजन 2 के अपडेट्स की, तो यहाँ पे आप लोग के लिए काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। बिकॉज इस सीरीज के जो मेकर्स हैं राजन डी के, उन्होंने पास्ट में ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि फर्जी कोई लिमिटेड सीरीज नहीं है, आप लोग को इसके मल्टीपल सीजन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन यही थी कि इस सीरीज को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड एज ऑफ नाउ जितने भी नंबर सामने निकल कर आए हैं, चाहे वो रेटिंग के हों या फिर व्यूअर्स के हों, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बिकॉज करंट टाइम में आप लोग को सीरीज की जो रेटिंग है वो IMDb के ऊपर 8.7 की देखने को मिल जाती है। वहीं जितनी भी ऑडियंस ने इस शो को देखा है उन्होंने इस शो को पसंद भी करा है। एंड अच्छी बात यह है कि ये सीरीज अभी करंट टाइम में Amazon Prime के ऊपर नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रही है। दैट मींस कि यस, इस सीरीज ने उन सारे बॉक्सेस को टिक करा है जो एक सीरीज को रिन्यू करने के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि इस सीरीज का जो बजट है वो आप लोग को बाकी सारी जितनी भी Amazon Prime की इंडिया वाली सीरीज है उससे थोड़ा हाई देखने को मिलता है, क्योंकि आप लोग को इसके अंदर जो कास्ट देखने को मिली है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, जिसके अंदर आप लोग को विजय सेतुपति सर एंड शाहिद कपूर की ही काफी ज्यादा तगड़ी फीस देखने को मिल जाती है। बाकी सारे कैरेक्टर्स तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि उनके चार्ज को अगर मिला लेंगे तो ये अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज बन जाती है इंडिया के अंदर। अब अगर बात करें सबसे मेन क्वेश्चन की कि आप लोग को इसका सीजन 2 कब तक देखने को मिलेगा, तो देखो यार एज ऑफ नो जो मेरे को अपडेट्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग अभी ऑडियंस को थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। एंड इसका रीजन मैंने आप लोग को बताया भी है कि मेकर्स जो हैं वो एक यूनिवर्स काइंड ऑफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी लग रहा है कि ये सीरीज उसका एक पार्ट होने वाली है। एंड अभी करंट टाइम में आप लोग को पता है कि राजन डी के बिजी हैं फैमिली मैन के अंदर, एंड आप लोग को उसका जो सीजन 3 है वो भी अभी देखने को मिलने वाला है। एंड बताया जा रहा है कि फैमिली मैन के सीजन 3 के अंदर आप लोग को इस सीरीज के जो कैरेक्टर्स हैं उनके हिंट देखने को मिल सकते हैं, मे बी आप लोग को माइकल के कैरेक्टर का कैमियो भी देखने को मिल जाए। एंड फैमिली मैन के सीजन 2 को आने में ही अभी काफी ज्यादा टाइम है, बिकॉज अभी तो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होना बाकी है। तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग चले तो जब तक फैमिली मैन का सीजन 3 नहीं आता है तब तक तो इस सीरीज के प्रोडक्शन के ऊपर वर्क स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन ये आप लोग को इसके रिन्यूअल की जो कंफर्मेशन है वो Amazon Prime की तरफ से सुनने को मिल सकती है, एंड इसका जो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर बात करें कि आप लोग को फर्जी का जो सीजन 2 है वो कब तक देखने को मिल सकता है, तो एज ऑफ नाउ जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग चलें तो आप लोग को अभी इसके सीजन 2 को देखने के लिए एक साल से ज्यादा लंबा वेट करना पड़ेगा। एंड ये शो आप लोग को 2024 के लास्ट क्वार्टर से लेकर 2025 के अर्ली क्वार्टर के बीच में ही देखने को मिलेगा, मतलब कि आप लोग को अभी 2024 के दिसंबर से लेकर 2025 के फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा इस सीरीज के सीजन 2 को देखने के लिए। हालांकि इन फ्यूचर अगर इसके रिलीज में कोई भी चेंज पता चलता है या फिर इसके प्री प्रोडक्शन या फिर कास्ट के ऊपर मेरे को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी देन वो मैं आप लोगों को फ्यूचर में डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज मेरे को जैसे अपडेट मिलती है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताना अगर आप लोगों ने फर्जी वेब सीरीज को देख लिया देन आप लोगों को सीरीज कैसे लगी, एंड आपके अकॉर्डिंग सीजन 2 में मेकर्स क्या नई स्टोरी आप लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ये जो नया यूनिवर्स राजन डी के बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को एग्जैक्टली कैसी स्टोरी देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों की कोई भी थॉट या फिर थ्योरीज हैं उसको आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा देन आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।